जनपद हापुड़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने आदर्श आचार संहिता और विभिन्न निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए 9 उड़न दस्ते, 3 लोखा टीम, 3 सर्वेलेंस टीम, 3 वीडियो अवलोकन टीम को क्रियाशील कर दिया। वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला मुख्यालय में स्थित कक्षा संख्या C1 में बनाया गया कंट्रोल रूम भी क्रियाशील हो चुका है, जहां 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने चुनाव से जुड़ी जानकारी के बारे में बताया, साथ ही लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। ऐसे होता था कि यहाँ पे 2 चरण में चुनाव जो होता था, इस बार डिफरेंस ये है कि हमारे जिले में एक ही चरण में पूरा जो है चुनाव हो रहा है। हमारे द्वितीय चरण में जो हमारे अधिसूचना जारी करने की दिनांक है, जो कि आरओ स्तर से की जाएगी, वो 28 मार्च है। नाम निर्देशन दाखिल करने का अंतिम दिनांक 4 अप्रैल है। जांच हेतु 5 अप्रैल है और नाम वापसी का अंतिम दिनांक 8 अप्रैल है। मतदान का दिनांक हमारा 26 अप्रैल है। मतगणना का दिनांक 4 जून है। तो ये हमारा इलेक्शन का शेड्यूल है। प्रीवियस इलेक्शन से हमारे यहाँ यही डिफरेंस आएगा कि हमारा पहले जितना भी मैन पावर का मैनेजमेंट था वो लोकली हो जाता था, क्योंकि 2 चरण में इलेक्शन का चुनाव मतलब इलेक्शन होता था। इस बार क्योंकि वो 1 चरण में है तो लगभग 800 लोगों की हमारे यहाँ पे मतदान कार्मिकों की कमी रहेगी, जिसको हम दूसरे मंडल से रिक्वेस्ट करके पूरा करेंगे। उसके लिए जो पत्र है वो दूसरे हमने अपने मंडल आयुक्त को भेज दिया है और उस पर वहाँ से डिसीजन होके बताया जाएगा। अभी तक जो चुनाव आयोग का डिसीजन है, जैसा कि आपने पीसी में भी सुना होगा, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी संविदा कर्मचारी इलेक्शन का मतदान कार्मिक नहीं बनेगा। इसके संबंध में अगर कोई विस्तृत दिशा निर्देश शासन से प्राप्त होता है तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको अपने हमारे ज़िले के इलेक्टोरल रोल के बारे में बताना चाहूँगी कि जब समरी रिवीजन हुआ था तो हमारे ज़िले में 11,29,203 लोग 2023 में इस रोल में थे। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट 6 मंथ्स में बहुत मैसिव ड्राइव चलाई गई और स्पेशली कॉलेजेस में और यंग वोटर्स को एनरोल करने के लिए, और जो लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, यहाँ से माइग्रेट हुए हैं, तो हम लोग फाइनली 11:29 से आज की डेट में हमारे इलेक्टोरल रोल में 11,52,662 लोग हैं। आप सभी के माध्यम से मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि आज की पीसी होने के बाद एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कि सभी चीज़ें लागू हो जाती हैं। हमारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल भी चल गया है। कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेट होगा। और थर्डली हमारी जो मीडिया वो भी चल गई है। आप सभी के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं वो एक अपना ज़रूर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो मतदान करके इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें।